हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम जब भी किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो या कोई भी पहचान वाला हो, हम जब भी उनसे बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तब हम उन्हें उनका हालचाल पूछते हैं, जैसे कि हाय, हाउ आर यू। रिटर्न में वो हमें जवाब देकर क्या पूछेंगे, आई एम फाइन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हम भी उन्हें सिर्फ फाइन ही बोलेंगे। इस तरीके से हमारा कन्वर्सेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए हमारे पूछने का तरीका हमको बदलना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन हैं जिन्हें हम हाउ आर यू कहने के बजाय यूज में ला सकते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बहुत हेल्दी बन सकता है। सामने वालों को एक बहुत अच्छा फील होता है, वो भी हमारे कम्युनिकेशन में दिलचस्पी दिखाता है जब हम उनसे अलग अलग तरीके से कुछ सवाल पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। इसलिए हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है स्टॉप सेइंग हाउ आर यू। सो लेट्स लर्न व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से हाउ आर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू से हाउ आर यू। हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है व्हाट्सअप। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीका होता है किसी का हालचाल पूछने के लिए। इस एक्सप्रेशन को हम सिर्फ जो हमारे क्लोज फ्रेंड है उन्हीं के साथ बोलते वक्त यूज में ला सकते हैं। अपने से बड़ों को, अपने सीनियर्स, अपने बॉस, इन लोगों को हम कभी भी इस तरीके से नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट है व्हाट्स न्यू। फ्रेंड, ये भी एक अच्छा तरीका, इनफॉर्मल तरीका है किसी का हालचाल पूछने के लिए। इसका मतलब होता है वी आर आस्किंग समवन व्हाट हैज रिसेंटली हैपन इन देयर लाइफ। कुछ फिलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या नया हुआ है या कुछ घटना कुछ घड़ी है, इस बारे में हम उन्हें पूछ रहे हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू। नेक्स्ट है यू ऑल राइट। इसका मतलब होता है आर यू ऑल राइट, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, इस तरीके से इसका मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी फ्रेंड से मिले, हम उसे क्या पूछेंगे, यू ऑल राइट, बदले में वो हमें क्या जवाब देगा, या आई एम फाइन। देखिए फ्रेंड, एक बात और, ये जो एक्सप्रेशन है यू ऑल राइट, ये मोस्टली जो ब्रिटिशर है वहाँ यूज करते हैं, यूके में। नेक्स्ट है हाउस लाइफ। हाउस लाइफ इसका मतलब होता है जिंदगी कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। इस एक्सप्रेशन को भी हम जो हमारे क्लोज फ्रेंड है उन्हीं से बोलते पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस एवरीथिंग। हाउस एवरीथिंग मतलब सब कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है ना, इस तरीके से हम अपने दोस्तों को पूछ सकते हैं। देखिए पर ये जो भी एक्सप्रेशन हमने पढ़े ना, ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, मतलब इन्हें से भी हमारे फ्रेंड या हमारे ग्रुप में, सर्कल में ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है हाउ इज इट गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग। देखिए पर ये तीनों जो एक्सप्रेशन है लगभग इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। इन क्वेश्चंस में हम क्या पूछ रहे हैं, कैसा चल रहा है या फिर क्या चल रहा है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, हमने किसी फ्रेंड से पूछा हाउ आर थिंग्स गोइंग, फ्रेंड हमें रिप्लाई में क्या बोलेंगे, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, आई जस्ट गॉट ए जॉब। फिर हम उन्हें रिप्लाई में क्या पूछेंगे, व्हाट काइंड ऑफ जॉब। इस तरीके से देखिए पर हमारा कम्युनिकेशन कैसे आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हाउ आर यू डूइंग। देखिए फ्रेंड, ये जो एक्सप्रेशन है हाउ आर यू डूइंग, स्पेशली हम जिसे देखने जाते, कोई बीमार है, कोई भी हमारा फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या फिर कोई कलीग हो, हम जब भी उन्हें देखने जाते हैं तब हम उन्हें पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। इसका मतलब है हाउ दे फील या फिर हाउ इज़ द स्टेटस ऑफ देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब हम उन्हें उनके तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। रिप्लाई में वो हमें क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। नेक्स्ट है हाउ हैव यू बीन या फिर What have you been up to? ये दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग ही लगभग सेम ही होता है फ्रेंड। स्पेशली ये एक्सप्रेशन हम जब भी किसी वेल नोन पर्सन से बहुत अरसे बाद मिलते हैं, 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी हम उन्हें मिलते हैं तब हम उन्हें पूछ सकते हैं What have you been up to? इसका मतलब होता है अब तक इन 6 महीनों के बीच में आप क्या कर रहे थे, मतलब आप कहाँ थे, आपने क्या किया, आप कैसे थे, इस हिसाब से हम इन्हें पूछ सकते हैं What have you been up to? देखिए पर इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एक्सप्रेशन पढ़े कि जिनसे हमारा हाउ आर यू कहना बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही इंटरेक्टिव हो सकता है। आने वाले वीडियो में भी एज यूजुअल हम ऐसे अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।